नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण पर। लक्ष्मी नारायण मैथ्स फैकल्टी हमारा फेसबुक पेज है। हर तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग उस पेज को लाइक कर सकते हैं। हमारे सारे लेक्चर्स का और हमारी सारी टेस्ट सीरीज और हमारे जितने असाइनमेंट्स हैं या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसके फॉर्म कब निकलते हैं, सारी अपडेट आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको प्लीज लाइक कीजिए। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.4 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 9.5। 9.5 और 9.6 एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है और उसी के कॉन्सिक्वेंस हैं जो हमने आपको 9.4 पढ़ाया था। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल नकली सी, बिल्कुल आसान सी और पेपर में आने वाली एक्सरसाइज नंबर 9.5 और आगे आएगा एक्सरसाइज नंबर 9.6। तो पहले मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 9.5 पढ़ा रहा हूं। 9.5 में हमारे पास क्या है, 9.5 जो है 9.5 एक्सरसाइज में हमारे पास दो तरह के इंटीग्रल्स आएंगे। सबसे पहला जो इंटीग्रल है, सबसे पहला इंटीग्रल हमारे पास आता है 1 बाय ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। ठीक है, 1 ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। और जो दूसरी तरह का इंटीग्रल हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो सेकेंड टाइप का इंटीग्रल है, वो है पी एक्स प्लस का क्यू डिवाइड बाय ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस में सी। ठीक है, यहां पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी है, ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, मे नॉट बी रिड्यूसिबल। जो ये वाली चीज है वो हमारे पास क्या नहीं है, वो हमारे पास रिड्यूसिबल नहीं है, मे नॉट बी रिड्यूसिबल इनटू लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूसिबल हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस दो तरह के हम लोगों को सवाल करने हैं। इस सवालों को करना कैसे है, जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा हम आपको समझाएंगे। और आपको यह समझना है कि जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपको पहले तीन फॉर्मूले सिखाए थे, सबसे पहली चीज उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, सबसे पहले 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू में डीएक्स, ऐसा था ना। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1 बाय 2a, साथ में आएगा लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए और प्लस में क्या आएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास था दैट वाज 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2a, ये हमारे पास आएगा लॉग ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स और प्लस में सी आएगा। उसके बाद जो तीसरी चीज हमारे पास है, तीसरी चीज में हमारे पास आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस में सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा, अगर फर्स्ट टाइप आती है तो क्वेश्चन हमारे पेपर में 2 नंबर का आएगा, और अगर ये वाली टाइप आती है तो पेपर में हमारे 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाली जो टाइप है, हेयर वी विल यूज, हेयर वी विल यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करने के बाद वो सारा स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और जब वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई सुटेबल आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसके बीच में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है, 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और डीएक्स, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो है वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूसिबल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो रिड्यूसिबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। ऐसा हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सेकंड टाइप है, जब ये आएगी तो आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे करना होता है। ठीक है जी, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे लिखा है, आजकल सीबीएसई वालों के ये सवाल फेवरेट बने हुए हैं, दो दो नंबर में बिल्कुल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान बिल्कुल नकली से सवाल है, सिंपल। आपको थोड़ा सा फॉर्मूला और फॉर्मेट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल है
आपसे कहता है एक इंटीग्रल हम लोगों को दिया है और हम लोगों को उस इंटीग्रल को सोल्व करना। उस इंटीग्रल में हमारे पास है dx ओवर और हमारे पास लिखा है x का स्केयर प्लस का 4x और प्लस में 7, ठीक है ना। तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जो नीचे वाली चीज है हम लोग उसको लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को कंप्लीटिंग स्केयर लगाना पड़ेगा। तो कंप्लीटिंग स्केयर लगाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को अलग कर दिया। अब कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमने आपको पहले भी समझा रखे हैं, एक बार दोबारा से बता रहा हूं। हमारा सबसे पहला काम है कि आपको एक्स स्केयर के कोफिशियंट को 1 बनाना है, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम क्या है, एक्स स्केयर के कोफिशियंट को 1 बनाना है। अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रखा है तो सबसे पहले आप उसको कॉमन निकालिए और एक्स स्केयर के कोफिशियंट को 1 बनाइए। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो हमें दिख रहा है इसके बीच में एक्स स्केयर का कोफिशियंट कितना है, 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दूसरी चीज हमारे पास है, अब आपको यह देखना है कि एक्स का कोफिशियंट क्या है। एक्स का कोफिशियंट का मतलब एक्स के सामने क्या लिखा है। जैसे मैंने यहां लिखा तो एक्स के सामने मुझे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। अगर माइनस 4 भी होगा तो अगर आपको साइन कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर देखना है कि उसके सामने नंबर क्या लिखा है। जैसे यहां पे 4 लिखा है, तो जो भी लिखा है उसको कोने में ले जाइए और कोने में ले जाके उसको आधा कर दीजिए। जब हम लोग उसका आधा करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 2 स्टेप आपको बताए। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हम लोगों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। यहां पे दे रखा है, अच्छी बात है। दूसरा काम हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है एक्स के सामने क्या लिखा है। जब हम इसको देखेंगे तो एक्स के सामने कितना लिखा है, 4 लिखा है। फिर हम लोगों ने 4 का आधा किया तो आपको मालूम है 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। जो भी हमारे पास आधा करके आया उसका स्केयर आपको एड करना है और उसी का स्केयर जो है वो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो भी आधा करके आया था उसका स्केयर आपको ऐड करना है और उसका स्केयर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको लिख पाएंगे x का स्केयर, इस 4 को लिखेंगे 2 × x, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2 का होल स्केयर। इसको देखेंगे तो माइनस का 4 आएगा, इसको देखेंगे तो प्लस का 7 आएगा। ये वाली चीज हमारे पास आएगी a का स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्केयर। तो आपको अच्छे से मालूम है किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्केयर के। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस विल बी x प्लस 2 का होल स्केयर, ऐसा आएगा। उसके बाद माइनस 4 प्लस का 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो हम इसको लिखेंगे प्लस का 3 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्केयर और 3 को लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 3 का होल स्केयर। तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग इसको लिख पाएंगे आई दिस विल बी डी एक्स अपोन में हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्केयर और प्लस में क्या आएगा, रूट 3 का होल स्केयर, ठीक है। तो कल जब हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे तो हमने आपको बताया था 1 / x² + a² × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको अच्छे से मालूम है 1 / x² + a² का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 / a और साथ में क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x / a और प्लस में c। तो हम लोग इसके बीच में लगाएंगे, तो जब आप इसके बीच में लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 1 / √3, फिर हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स और इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x + 2 / √3 प्लस में c। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपसे कहते हैं dx ओवर x का स्केयर प्लस का 4x प्लस का 7, तो हम लोगों को दिख गया था 1 / ax² + bx + c का टाइप है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसमें तो पहले से 1 है। फिर हमने आपको सेकंड स्टेप में ये बताया, आपको ये देखना है x के सामने क्या लिखा है, साइन नहीं देखना है, सिर्फ नंबर देखना है। हमने देखा 4 लिखा था, साइन इसलिए नहीं देखना क्योंकि मुझे स्केयर करना है, चाहे मैं नेगेटिव करूं चाहे मैं पॉजिटिव करूं, स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने 4 देखा, 4 का आधा किया तो 2 आ गया, तो 2 का स्केयर ऐड किया, 2 का स्केयर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 7 आ गया। 4x को लिख सकते हैं 2 × 2 × x, इसको लिखेंगे 2 का होल स्केयर, ये बनेगा माइनस का 4 प्लस का 7, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्केयर और प्लस में क्या आएगा, 3, और 3 को लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 3 का होल स्केयर। तो ये हमारे पास बनेगा dx / x² + a² तो आपको मालूम है 1 / x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1 / a टेंजेंट इनवर्स x / a प्लस में c। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 / √3 टेंजेंट इनवर्स x + 2 / √3 और प्लस में क्या आएगा, c आएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप मुझे फटाफट से करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। लिखिए क्वेश्चन क्या है,
हमारे पास क्वेश्चन के बीच में कहता है dx ओवर x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4, तो हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है, ठीक है, आपके लिए है, आपको करना है फटाफट से हाथ चलाओ, dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 इनटू में dx, ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए क्या आएगा, dx ओवर x का स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस का 4। सबसे पहले मैंने आपको वही बताया था कि हम लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, फटाफट से करो, मैं नहीं करने वाला हूं, x स्क्वायर कहां बोर्ड पे देख रहे हो, x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 4, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्वायर कंप्लीट करो और स्क्वायर कंप्लीट करके मुझे आंसर बताओ क्या आने वाला है, dx ओवर x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4, ठीक है, सिंपल है, फटाफट हाथ चलाओ और मुझे बताओ कैसे करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही करना है, फटाफट से करिए। सबसे पहले आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पहले से 1 है, कोई समस्या ही नहीं है। फिर हमने आपको क्या समझाया था, हमने आपको समझाया था आपको यह देखना होता है x के सामने क्या लिखा है, तो हमने यहां देखा x के सामने 2 लिखा था, उस भाई साहब को कोने में ले गए और मार पीट के आधा कर दिया, जब आप उसको आधा करेंगे तो काट के हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो जो भी आता है काट पीट के उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का जो स्क्वायर है वो सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, काट के आधा करेंगे उसका स्क्वायर ऐड करेंगे उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस 1 माइनस 4, तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 2ab, ऐसा होता ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 को लिखेंगे रूट 5 का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको जब लिखेंगे यहां पे तो हमारे पास आएगा i, दिस विल बी dx अपॉन, इसको क्या लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो आपको मालूम है 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय 2a, इसको लिखेंगे log x माइनस a डिवाइड बाय x बाय a और प्लस में क्या होगा c, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 रूट 5 और इसको लिखेंगे तुम्हारे पास आएगा log x माइनस a, तो x प्लस 1 माइनस रूट 5 और इसको लिखेंगे तो x प्लस 1 प्लस का रूट 5 और प्लस में c, तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था dx ओवर x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था, हम लोगों ने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 था तो ज्यादा दिक्कत हमें हुई नहीं, उसके बाद आपने ये देखा x के सामने क्या लिखा था, तो हमने देखा x के सामने 2 लिखा था, 2 को कोने में ले गए मारपीट के आधा किया 1 आ गया, आधा करके जो आया उसका स्क्वायर ऐड किया उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट किया माइनस से 4, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 और ये मेरे पास आएगा माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 1 और माइनस 4 कितना होता है माइनस 5, इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 को लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 1 बाय 2a log x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस का 1 माइनस का रूट 5 डिवाइड बाय x प्लस का 1 और प्लस का रूट 5 प्लस का c, तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाऊंगा और फिर अगले वाला आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल आसान बिल्कुल नकली बिल्कुल फर्जी और बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आएगा 2 नंबर का, ठीक है ना, तो देखो आपसे क्या कहता है थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, और हमारे पास लिखा है 4x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 3 इनटू में क्या है dx, हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है dx ओवर 4x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इनटू dx, ऐसा बनेगा, तो अगेन हमें दिख रहा है कौन सी फॉर्म है 1 बाय ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए बाबूजी को बाहर लाएंगे 4x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, तो उसके बाद मैंने आपको सबसे पहला काम सिखाया था क्या
एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 बनाना है, यहां तो 1 नहीं है, लाओ भाई 4 को निकाला बाहर, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, यहां से 4 चला जाएगा तो एक्स हो जाएगा। अब 3 बेचारा गरीब है, इसके पास 4 तो है नहीं, तो हमने इसको उधारा दे दिया, इसके नीचे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। उसके बाद आपको मैंने क्या सिखाया था कि सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, वो हम बना चुके हैं। फिर मैंने आपको यह सिखाया था कि आपको यह देखना होता है एक्स के सामने क्या लिखा, जब हम इसमें एक्स को ढूंढेंगे तो एक्स भाई साहब ये बैठे हैं, इसके सामने हमें क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, इनफैक्ट माइनस 1 लिखा है, तो मैंने आपसे बोला था साइन कंसीडर ना करना क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, 1 को ले जाएंगे भाई साहब कोने में, है ना, मार पीट के आधा कर देंगे, और आधा करके हमारे पास कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या सिखाया था, जो भी आधा करके आता है उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और उसी का जो स्क्वायर है वो हमारे पास सबट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसा बनता है ना, जो भी आधा करके आया उसका स्केयर हम लोगों ने जोड़ दिया और उसी का स्केयर हम लोगों ने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का स्केयर, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को आइडेंटिटी दिखने लगेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab का, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 का होल स्केयर, यह बनेगा माइनस का 1/4, और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 3/4, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab किसके बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2/4 आएगा, 2/4 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या लिखेंगे i दिस विल बी इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास आएगा dx, डिवाइड में लिखेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 को लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही चीज बन चुकी है, आइडेंटिटी आपको मालूम है, हमने आपको पढ़ाया था dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a, और इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी, तो इसको लिख सकते हैं आई दिस इज 1/4, यहां क्या आएगा 1/a, तो 1/√2, फिर क्या लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1/√2 और प्लस में सी, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2√2 आएगा, सो आई विल बी 1/2√2, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस 1/2 और ये उलट के ऊपर जाएगा तो √2/1 और प्लस में क्या आएगा c, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1/2√2, इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, फिर आएगा 2x माइनस 1/√2 और प्लस में c, तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, बिल्कुल पेपर में 2 नंबर का आ सकता है, dx ओवर 4x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 3, तो सबसे पहले हम लोगों ने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, उसके लिए 4 बाहर गया, फिर हमने देखा x के सामने क्या लिखा था 1 लिखा था, 1 का आधा किया तो 1/2 आया, 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, 1/2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो वो क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे तो 2/4 को लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 हमारा तैयार है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लगा तो 1/a, तो 1/4 तो पहले था 1/√2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2 डिवाइड बाय 1/√2, इसको लिखेंगे 2x माइनस 1 इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा i दिस विल बी इक्वल टू 1/2√2 और साथ में हमारे पास आएगा क्या टेंजेंट इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइड बाय √2, तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कर लेंगे इसको। ठीक है जी, चलिए इसको अच्छे से देखिए, जिसको देखना है वो अच्छे से देखता रहेगा और जिसका ये हो गया वो मुझे अगले वाला क्वेश्चन करके दिखाएगा,
बिल्कुल लगभग लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको करके दिखाना है, फटाफट से करके दिखाएंगे। स्टेटमेंट मैं बोलता हूं, dx ओवर हमारे पास लिखा है 3x का स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 10, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, फटाफट करके दिखाओ क्या आएगा। dx ओवर 3x का स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 10 और साथ में क्या आएगा dx, ठीक है। तो फटाफट से इसका इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, dx ओवर 3x का स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में 10, बिल्कुल सेम तरीके से आपको 3 को बाहर निकालना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, फटाफट करो। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 3x का स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 10 और साथ में क्या आएगा dx, ठीक है। हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है 3x का स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में 10 और साथ में क्या आएगा dx, ठीक है। तो फटाफट से इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, I इज इक्वल टू dx ओवर, फटाफट बताइए क्या आएगा, I इज इक्वल टू dx ओवर 3x का स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 10, ठीक है, फटाफट हाथ चलाओ। dx ओवर 3x का स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। dx ओवर 3x का स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 10, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कई लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, और कई लोग कर रहे होंगे, करते रहिए, ठीक है। जिनका हो गया वो मैथ्स कर लेना और जिनका नहीं हुआ वो करते, जिनको आता है वो कर लीजिए, ठीक है, और जिनको नहीं आता वो सामने देखेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हम अगली टाइप शुरू करेंगे। हमारे पास लिखा है 3x का स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस में क्या लिखा है 10। तो सबसे पहला काम क्या है, x स्क्वायर के कोफिशियंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो भाई 3 बाहर आ गया, x का स्क्वायर इसके पास नहीं है, उधारा देंगे, इसके पास भी नहीं है, उधारा देंगे, उधारा देने का मतलब नीचे लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम टू सेम आएगा, सही है ना, घबराना नहीं है, कुछ भी आ जाए, बिल्कुल नकली है। 3 को हमने बाहर निकाला, x का स्क्वायर प्लस में 13 बाय 3 इनटू x और माइनस में 10 बाय 3, है ना। फिर मैंने क्या कहा था, x वाले को देखो, x वाला कौन है 13 बाय 3, कोने में ले जाएंगे और कोने में ले जाके ब्लो देंगे बुरी तरीके से, आधा कर देंगे ना, आधा करके छोड़ देंगे, कितना आएगा 13 बाय 6। जब 13 बाय 6 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 13 बाय 6 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और 13 बाय 6 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस का 10 बाय 3 आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से डिवाइड किया, तुम्हारे पास आएगा 13 बाय 6 का होल स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 169 बाय 36 और माइनस का 10 बाय 3, ऐसा बनेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस में 13 बाय 6 का होल स्क्वायर, 36 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, ये माइनस का 169 और इसको लिखेंगे तो माइनस का 120 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 120। तो जब आप इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई दिस विल बी 1 बाय 3, इंटीग्रेशन निकालना किसका, dx का, अपोन में हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 13 बाय 6 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो 289 आएगा, तो 289 का मतलब क्या होता है, 17 बाय 6 और सारे का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा ना भाई, ठीक है। जब इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, 289 बनेगा और आपको अच्छे से मालूम है जो 289 होता है वो 17 का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 13 बाय 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 17 बाय 6 का होल स्क्वायर, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। चलो फिर आपको आइडेंटिटी मालूम है, 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आइडेंटिटी था क्या, 1 बाय 2a log x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a और प्लस का c, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 3, ये हमारे पास आएगा 1 बाय 2a, तो a का मतलब क्या है 17 बाय 6, फिर क्या आएगा log x माइनस a 13 बाय 6 माइनस 17 बाय 6, इसको लिखेंगे x प्लस का 13 बाय 6 प्लस में 17 बाय 6 और प्लस में c हो जाएगा,
तो 3, 2 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/17। इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा log 13 में से 17 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 4/6। 13 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30/6। ऐसे ही बनेगा, इसको कैंसिल करो क्या बनेगा, 1/17। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको कैंसिल करो 5 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3x-2/3 इंटू में एक्स प्लस का 5 और प्लस में c। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी इसमें याद करने वाला नहीं है, बस मेथड आपको थोड़ा सा आना चाहिए, बाकी मजाक है, कुछ भी नहीं है। 3x का स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का 10 है। सबसे पहले हम लोगों को x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो जब आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, जो भी x स्क्वायर के साथ लिखा है उस भाई साहब को बाहर निकाल दो। तो 3 बाहर आ गया, इस वाले भाई साहब के पास 3 नहीं था तो हमने इसको उधारा दिया, नीचे आ गया, इसके पास भी नहीं था, इसको उधारा दिया तो नीचे आ गया। तो हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 13/3 × x और माइनस का 10/3। फिर हमने ये देखना एक्स के सामने क्या लिखा था, एक्स के सामने हमारे पास 13/3 लिखा था। 13/3 को साइड में ले जाके धक्का मुक्का करके आधा पिटेंगे आधा छोड़ देंगे तो 13/6 बनेगा। 13/6 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 13/6 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे और माइनस का 10/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया ताकि हमें वैसा दिखना शुरू हो जाए जैसा जैसा हमें दिखना चाहिए, हम क्या चाहते हैं स्क्वायर कंप्लीट करना। तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो 36 एलसीएम आएगा, यहां से बनेगा माइनस का 289/36। 289 को लिख सकते हैं 17/6 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2a log x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a। इसको कैंसिल करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3x-2/3 इंटू में क्या आएगा x प्लस 5, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है जी। चलें फिर आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, हालांकि 2017-18 में इस तरह के क्वेश्चन पेपर में 2-2 नंबर के आए हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नकली नकली से सवाल है, बस टेंथ वाला मेथड जो है ना कंप्लीटिंग स्केल का वो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसमें क्या है वो तो आता ही है। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है, हमारे पास ऐसा लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में क्या है डीएक्स। ऐसा बोलते ना एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और साथ में क्या आएगा डीएक्स आएगा, ऐसा ही आएगा ना। अब आपको ध्यान से क्या चीज देखनी है, अब आपको ध्यान से यह देखना है कि ऊपर एक्स पड़ा और ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तभी तो एक्स आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग डिनोमिनेटर को थोड़ा सेट करते हो, डिनोमिनेटर को सेट कैसे करेंगे, इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखा एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लगा दिया, टी लगा दिया। तो जब आप एक्स स्क्वायर की जगह पे टी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x dx, दिस विल बी इक्वल टू dt। तो जब हम लोग यहां से x dx का वैल्यू लगाएंगे तो 1/2 times dt आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 times ये हमारे पास dt आएगा। इसको लिखेंगे t का स्क्वायर प्लस में t और प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है 1/2 integration of dt upon t का स्क्वायर प्लस में t और प्लस का 1, ठीक है जी। करें शुरू आगे, आगे तो फिर से वही फॉर्म बन गया क्या, 1/ax² प्लस का bx और प्लस का c, कोई बड़ी बात ही नहीं, कर देंगे आसानी से। फिर आपने क्या किया, इसको बाहर निकाला t² प्लस t प्लस का 1। फिर हमने ये देखा क्या t² का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल पहले से पढ़ा। फिर आप ये देखो t के सामने क्या लिखा है, 1 लिखा है, अगर t के सामने 1 लिखा है तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा बन जाएगा। इसको लिखेंगे t का स्क्वायर प्लस में 2 से मल्टीप्लाई और फिर हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे करके लिखेंगे इसको, ठीक है, और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का 1/4 और प्लस का 1, ऐसा बनेगा। तो इसको देखो क्या बनेगा, a का स्क्वायर
प्लस में b का स्केयर और प्लस में 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं t प्लस में 1 बाय 2 सारे का होल स्केयर, ऐसा बनेगा ना, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस का 2ab, तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्केयर। अब चलते हैं इसके ऊपर, 1 में से 1 बाय 4 जाएगा, जब 1 में से 1 बाय 4 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 3 बाय 4। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो जब हम इसको यहां लिखेंगे तो हमारे पास आएगा i, दिस विल बी 1 बाय 2, इसको लिखेंगे dt, ये हमारे पास आएगा t प्लस 1 बाय 2 का होल स्केयर, और 3 बाय 4 को लिखेंगे रूट 3 बाय 2 का होल स्केयर, ऐसा बनेगा। तो इंटीग्रेशन किसका है, x स्केयर प्लस a स्केयर का, अच्छे से मालूम है 1 बाय a, तो 1 बाय a का मतलब है रूट 3 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स, इसको लिखेंगे t प्लस का 1 बाय 2 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2 प्लस में c, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये इससे कैंसिल हो गया तो हम इसको लिखेंगे i, दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे पास आएगा 2t प्लस का 1 डिवाइड बाय कितना आएगा रूट 3, और प्लस में क्या आएगा c आएगा। जब हम यहां t का वैल्यू पुट करेंगे तो t का वैल्यू हमारे पास कितना है x स्क्वायर, उसको लगा दो तो 1 बाय रूट 3 टेंजेंट इनवर्स 2x का स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाय रूट 3 और प्लस में c, तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आपसे क्या कहता है x ओवर x की पावर 4 प्लस का x का स्क्वायर प्लस का 1, तो हम लोगों ने x स्क्वायर को t पुट कर दिया, जब आप x स्क्वायर को t पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x dx, दिस विल बी dt, तो x dx का वैल्यू आएगा 1 by 2 times dt, उसको पुट किया, जब आप x square के यहां पे t पुट करेंगे तो सारा का सारा 1 by ax का square plus का bx plus का c उस फॉर्म का आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका square complete किया, तो square complete करने के बाद हमें मिला 1 by x square plus a square का integration, तो आपको मालूम है 1 by a tangent inverse x by a होता है, तो जब आप उसको लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 by 2 into में 1 root 3 by 2, तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे t का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 बाय रूट 3 टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाय रूट 3, ऐसा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको प्रैक्टिस करके दिखाना है, तीन क्वेश्चन है, तीन में से एक आप करके दिखाएंगे, दो आपका होमवर्क है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन है जिसमें आपको स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टेटमेंट मैं तीनों की लिख दूंगा और क्वेश्चन आपको एक सोल्व करके दिखाना है, बाकी दो जो है वो आपका होमवर्क है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करके दिखाना है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है फोर्थ पार्ट है, आई यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स डिवाइड बाय 3 ई रेस टू पावर 2x प्लस का 2 ई रेस टू पावर एक्स प्लस का 4 और साथ में क्या है dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, फटाफट करके दिखाओ, सोचने वाली कोई बात नहीं है कि पुट क्या करना है, साफ दिख रहा है ऊपर e रेस टू पावर x है, तो e रेस टू पावर x को आप t पुट कर दो, बाकी तो फिर से वही नकली सवाल बन जाएगा जिसके बीच में हम लोग स्केयर को कंप्लीट करते थे। ठीक है, फटाफट हाथ चलाओ, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बनाता हूं, इतना e रेस टू पावर x into dx, इसको लिख सकते हैं 3, ये बनेगा e रेस टू पावर x का होल स्केयर प्लस में 2 e रेस टू पावर x और प्लस का 4। उसके बाद जैसे आपको मालूम है e रेस टू पावर x को t पुट करेंगे तो e रेस टू पावर x dx दिस विल बी dt, तो ऊपर वाली जो सारी की सारी चीज है वो dt बन जाएगी और नीचे वाला बनेगा 3t का स्केयर प्लस का 2t और प्लस का 4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय 3t का स्केयर प्लस में 2t और प्लस का 4। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताइए किसका इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आएगा, ये मैं नहीं करूंगा, आपको करके दिखाना है, जल्दी जल्दी कीजिए क्या आएगा, आप इसको लिख सकते हैं ना क्या है हमारे पास, अरे कुछ नहीं है, क्या है 3t का स्केयर प्लस में 2t और माइनस का सॉरी प्लस का 4, बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह, हाथ चलाते रहिए फटाफट से, बिंदा लिखे अपना करते रहो, ऊपर नहीं देखना है, अपना करते रहिए।
चेक कर लीजिए, सबका एसएस आया होगा। सबसे पहले हमने तीन को बाहर निकाला, टी का स्केयर आया, इसको लिखा 2/3 t प्लस का 4/3, फिर देखा टी के सामने 2/3 था, उसका हाफ किया 1/3 आया, 1/3 का स्केयर ऐड कर दिया, 1/3 का स्केयर सबट्रैक्ट कर दिया, इसको लिखेंगे तो टी प्लस 1/3 का होल स्केयर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 टाइम्स डी टी डिवाइड बाय टी प्लस 1/3 का होल स्केयर, इसको लिखेंगे रूट 11/3 का होल स्केयर, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/x² प्लस ए स्केयर, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a रूट 11/3, और साथ में आएगा टेंजेंट इनवर्स टी प्लस 1/√3 रूट 11/3 प्लस में सी, तो तीन से तीन कट जाएगा, तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा आई दिस विल बी 1/√11, इसको लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स, फिर क्या आएगा 3t+1 डिवाइड बाय √11 प्लस में सी, यहां पे t की वैल्यू लगा दो, t का वैल्यू कितना है e^x, तो जब आप इसके बीच में लगाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/√11 टेंजेंट इनवर्स, इसको लिखेंगे 3e^x प्लस में √11 प्लस में सी, तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के स्टडी लेक्चर में इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही हमें आपसे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।